कुमारी मायावती जी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे एक बूथ बना हुआ है और यहाँ पर देखिए मतदान चल रहा है और जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं हम उनसे प्रतिक्रिया लगातार ले रहे हैं। तो ये है बादलपुर का इलाका, बादलपुर गांव है, ये बादलपुर का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग, हालांकि देखिए एक चीज़ मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग नहीं आ पा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो वोट डालने छिटपुट तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। हो सकता है लोगों ने वोट डाल दिया हो, कुछ लोग अभी भी चले आ रहे हैं। तो वोटिंग यहाँ पर चल रही है, कड़ी सुरक्षा है, पुलिस मुस्तैद है। साहब क्या मुद्दे हैं इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? मुद्दे तो सबके अलग अलग हैं गुरुजी। हाँ, हम तो साइकिल पे देख आए हैं अखिलेश को। साइकिल? हाँ साइकिल। क्या किया अखिलेश ने, मायावती ने क्या किया? सारी जमीन एक बार कर दी, क्या घंटा बचा? जो पार्क बना दिया हाल में उसमें टिकट लग रहा है। अच्छा। हाँ, उल्टे सीधे बालक आ रहे हैं कॉलेजों से। ये तो मायावती जी ने बनवा दिया, मायावती ने बनवा दिया, काम सही करवा दिया, तो ये थोड़ी मायावती हो गई। अच्छा। हाँ, अरे तो अखिलेश ने क्या किया वही तो पूछ रहा हूँ। अरे अखिलेश ने कुछ भी किया या नहीं किया, इसने क्या किया इसका बताओ ना। अरे तो अखिलेश ने कुछ तो किया, अखिलेश ने जो भी किया या ना किया उसने सही किया। सही किया। हाँ, पीएम कौन बनेगा इस बार? हमने तो अखिलेश को दिया तो अखिलेश बनना चाहिए ना। अखिलेश पीएम बनेंगे? हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, संघर्ष कर रहे हैं। अरे तो भाई 80 सीटें यूपी में, कितनी सीटें लाएंगे अखिलेश? अरे जितनी लाएंगे यार। हाँ, किस्मत अपनी अपनी। अच्छा, हमारा काम है। अखिलेश जी ने क्या अच्छा काम किया मुझे बताइए, दो काम बताइए। कंप्यूटर दे दिया सबको। ठीक है। और अपना इसका गांव है बमेटा यादव है, हाँ फ्री होल्ड है जमीन। यादव, आप भी यादव जी हैं? नहीं मैं तो नागर। नागर हैं? अच्छा अच्छा। मायावती गाँव का ही। मायावती जी कैसी नेता हैं? नेता बढ़िया, लेकिन वो जो भ्रष्ट नेता है ना उसके नीचे जो, वो गलत है। कौन कौन है भ्रष्ट? अरे बहुत है यार, जिनने अपनी अपनी जमीन बचा ली वो भ्रष्ट हो गए। जो गरीब आदमी जिस पर एक एक दो दो बीघे गए उनके एक बार करवा दी, इससे आगे क्या कहें। अच्छा, एक्वायर जमीन का क्या मुद्दा है ये? कुछ कोई मुद्दा नहीं है, बस जिसकी चल रही है वो चला रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। ठीक, चलिए। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं जी। कैसा लगा वोटिंग आज का? बढ़िया लगा भाई। क्या है मुद्दे इस बार भैया? ऐसा तो मैं कुछ कहना। अच्छा, बीजेपी या बीएसपी क्या कर रहे हैं इस बार? मम्मी से पूछो, मम्मी बताएं। अरे कोई बताए भाई। हाँ मम्मी जी, क्या है माहौल इस बार? मोदी, मोदी योगी या मायावती? अब ऐसा तो नहीं पता बता सकते। मायावती जी को जानती है? हाँ जौन है। कैसी नेता? बढ़िया बढ़िया। आएंगी इस बार? हो सकता है, हो सकता है। माहौल चल रहा है। मिली है कभी बहन जी से? नहीं ऐसे तो कहाँ मिल पाऊँ। मिलना चाहती हैं? जब देखो कभी आएंगी तो मिल लेंगे। क्या कहेंगी बहन जी से, कुछ कहना चाहती हैं? बस ये गांव की सेवा करती रहे और क्या, यही है बढ़िया बात। अच्छा अच्छा, अच्छी है, अच्छी है। पीएम बन सकती हैं? बन सकती हैं, देखो जब गांव का सही होगा तो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। साहब क्या नाम है आपका? कुलदीप नागर। कुलदीप नागर। अच्छा, नागर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, जिससे पूछता वही नागर लगा देता है। कौन सी जाति है नागर? हिंदू हैं, गुर्जर। गुर्जर, गुर्जर। और बहन जी कौन सी जाति हैं? बहन जी है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट, SC। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, राम के नाम पर वोट दे रहे हैं। योगी मोदी जी के विकास पर वोट जा रहे हैं। क्या किया मोदी योगी जी ने? अरे राम मंदिर बनाया है, इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दिए। अच्छा, राम मंदिर कह रहे हैं, कोर्ट ने बनाया, सब कह रहे हैं। नहीं ये तो सब, हाँ ठीक है कोर्ट ने बनाया, लेकिन भूमिका तो उसमें बीजेपी की। कोर्ट में भूमिका है बीजेपी की? नहीं, भूमिका तो है जो लेके चले हैं, राम मंदिर का मुद्दा लेके चले, बीजेपी तो चली है लेके। अगर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा ना लेती तो कोर्ट क्या करता? कोर्ट कुछ नहीं करता। अच्छा, कोर्ट कह रहे हैं स्कूल चाहिए या मंदिर, तो आप क्या कहेंगे? स्कूल भी दे रहे हैं योगी जी और मंदिर भी दे रहे हैं। ये स्कूल किसने बनाया? ये मायावती ने बनाया, लेकिन जो बनवाया था ये 95-96 में। कौन सा इंटर कॉलेज है? क्या है डिग्री? इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज। बेटी है। बहन जी यहाँ आती है कि नहीं? नहीं नहीं, अगर बहन जी का। अच्छा, क्या शिकायत है बहन जी से? कुछ लोगों को, बहन जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जनाधार बहन जी का दिन पर दिन घटता जा रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ से हमें ये उम्मीद होती कि बहन जी का कैंडिडेट बढ़िया है और वो मतलब सीट निकाल लेता तो बिल्कुल। बीजेपी का कैंडिडेट कैसा लगा आपको? अरे यार महेश शर्मा जी सुपर। नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम महेश शर्मा को नहीं जानते, हम तो मोदी योगी जानते हैं। नहीं तो महेश शर्मा जी ने भी काम कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कराए हैं सारे। हाँ। और योगी मोदी का तो खैर मुकाबला ही नहीं है। भैया हो गई वोटिंग? हाँ जी हो गई। देर कर दिया आपने क्या? नहीं सही तो टाइम। क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार ये काम तो सभी अच्छा हो रहा है। ठीक है।
जो है कोई दिक्कत नहीं है जी। बहन जी के बारे में क्या ख्याल है? देखो बहन जी का टाइम था तो बहन जी ने अच्छा काम किया, आप समझ रहे हो जी। ये लोगों की थोड़ी सी मानसिकता है। वोटिंग हो गई? नहीं अभी वोटिंग के लिए आए। देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? अभी अभी आई है। अच्छा मुद्दे क्या हैं इस बार? इस बार तो जी बीजेपी है हमारा तो। आप मैम? बस आरक्षण नहीं चाहिए, वोट चाहिए, हमें अच्छी सरकार चाहिए बस। आरक्षण नहीं चाहिए मतलब? आरक्षण नहीं चाहिए मतलब कि किसी को भी जिताकर और आरक्षण के लिए किसी को जिताना, वो चीज़ नहीं चाहिए। किसकी तरफ इशारा है आपका? इशारा मेरा आप समझ रहे किसकी तरफ है कि जो निर्दलीय लोग हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम खुल के बोल रहे हैं बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी की सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए हमको बस। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को जान सकता हूँ? क्योंकि वो फ्यूचर के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? अशोक नागर। नागर साहब बहुत नागर हैं यहाँ पे। नागर ही हैं जी, नागरन के गांव में। नागरन के गांव जी जी। आप गुर्जर हैं आप लोग जी? क्या है मिजाज इस बार? मिजाज देखो क्या होता, मुझे तो लगा 50-50 हो सकता है। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा भाई ये देश विकसित हो रहा है अपना, जो मोदी जी कर रहे हैं वही मुद्दा करके काफ़ी विकसित हो गया है। हाँ विकसित हो रहा है देश। बहन जी का क्या है माहौल? बहन जी का अच्छा, बादलपुर में तो बहन जी का ही है, बहन जी का ही चल रहा है मामला है तो बादलपुर में। अच्छा अच्छा है बहन जी, अब से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई लोगों ने कहा बहन जी को पीएम बनाना है। हाँ बिल्कुल, हमारा सपना है बहन जी को पीएम बनाने का, वो देखते बिल्कुल। और देखो आगे क्या होता है, हो सकती है बहन जी पीएम? हाँ बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी पीएम? पीएम है उसका बिल? हाँ बिल्कुल, पढ़ी लिखी योग्य है, बिल्कुल होंगी। पढ़ा लिखा कितना ज़रूरी है प्रधानमंत्री? हाँ बहुत। चलो चलिए, तो देखिए एक चीज़ बताऊँगा आपको जो रियलिटी है, कुछ लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। अब मैंने पढ़ाई लिखाई की बात की तो वो चुपके से कन्नी काट के निकल गए। पढ़ा लिखा नेता बहुत ज़रूरी है। ये देखिए साहब भी आ गए। भैया वोटिंग हो गई आपकी? हो गई। क्या नाम है आपका? दीपक। तो क्या है मिजाज इस बार वोटिंग का? वोटिंग कंपटीशन कुछ खास नहीं है, एक तरफा लग रहा है मुझे। जो एक तरफा लग रहा है। 400 पार लगा रहे हैं आप लोग? नारा होना चाहिए। 400 पार नहीं कह सकते तो 400 के आसपास। अच्छा, लमसम तो होगा। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो अपना 400 के आसपास तो अपना होना। और कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीटें खास आइडिया नहीं, आइडिया नहीं। हाँ। लेकिन 400 पार मोदी जी को चाहिए। हाँ जी हाँ। तो काम बन जाएगा। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सब लोग निकल के आ रहे हैं, सबसे हम लोग जायज़ा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, सुरक्षा कड़ी है, तगड़ी है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बताइए क्या है माहौल इस बार? भैया हमारा तो बीजेपी को वोट है। अच्छा। विकास के लिए वोट है। हाँ। सुरक्षा के लिए वोट। पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है? पूरा का पूरा। हाँ। और मैं आनंद भगत जी हूँ। अच्छा भगत जी। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ विकास के साथ। अच्छा, ये बताइए 400 पार क्यों चाहिए बीजेपी को? 400 पार के इसलिए चाहिए क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए संविधान के अंदर जिनको हमें हटाने के लिए तो एक बहुमत चाहिए। क्या क्या कर दिया मुझे बताइए। जैसे कि आपने जो भी आप जानते हैं, सरदार पटेल जी ने भी मना किया था कि भाई आप जो ये बीज बो रहे हैं आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो आरक्षण का जो बीज है। अच्छा, और आरक्षण खत्म करेंगे आप लोग? नहीं नहीं आरक्षण खत्म नहीं होता। हाँ। आरक्षण जो है लेकिन सामान जो उसमें क्या है कि जो शिक्षित हैं अच्छे पढ़े लोग कह रहे संविधान, कुछ लोग कह रहे संविधान नहीं नहीं संविधान नहीं बदला जाता, संविधान कुछ आर्टिकल हैं जो उन्होंने अपने आप जोड़े उनको हटाने के लिए। कितने सीट चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए 270 सीट 72 सीट चाहिए वैसे तो, लेकिन इनको क्या है कि जैसे इंदिरा जी ने उस टाइम पे वो लगाई थी और अपने कुछ कानून बनाए थे उन्हें हटाने के लिए तो 400 मोदी जी उसी रास्ते पे जाएंगे? इंदिरा जी नहीं 400 पार नहीं 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 जाएंगे, नहीं जाएंगे 400 पार। चलिए धन्यवाद भैया। वोटिंग हो गई, बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार? मुझे तो देखते मिल जाएंगे, जो भी देश चाहता है वो आएंगे। विदेश चाहते हैं? आप बताइए क्या चाहती मैम? जीते। क्या क्या मतलब वोट डाल दिया लेकिन बोल नहीं सकते हैं? जो भी देश चाहता है ना, जो देश के हित में काम करेगा उसके लिए बिल्कुल पावर है। अच्छा मायावती जी का नाम सुना है आपने? बुआ जी हमारी। बुआ जी हैं आपकी? हाँ। कुछ बताइए उनके बारे में, मुझे जानकारी दीजिए। उन्होंने हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्होंने बिता दिया है। अच्छा। और हर चुनाव में बादलपुर में 80% वोट बहन जी जाती है। बहन जी को 80% वोट? आप मैम से बात कर लेते हैं। मैम आप बताइए मायावती जी का नाम सुना है आपने, जानती हैं उनको? बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बताइए जानकारी दीजिए। नहीं जी यहीं की है वो। अच्छा यहीं की। अच्छा काम कर रही है बहन जी? हाँ वैसे तो अब आ ही जाएंगी तो अच्छा ही।
आ जाए चाहती हैं आप भी? हाँ जी चाहती हूँ। एक पीएम महिला पीएम बने अब? हाँ क्योंकि बहुत कुछ किया है, आगे भी करेगी तो बहुत अच्छा। कह रहे हैं 80% वोट है बहन जी। हाँ जी है तो। आप लोगों ने भी चुना है बहन जी। हाँ दादी जी बहुत देर हो गई क्या? हाँ वोट डालना जरूरी है? हाँ कितना जरूरी? अब जो पेंशन बंधवा पेंशन काट दी हमारी। कौन काटा? मोदी ने काट दी। मोदी जी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं भी ना वाई दिन तक ना मिल रही। अच्छा 6,000 मिल रहा है कि नहीं? कौन मिल रहे हैं? कुछ भी ना मिल रहा। अब कहूंगी रुको भाई। हाँ कहूंगी जब काट दी कई साल हो गए मिल ना रही। 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। हाँ वो तो क्या मुद्दे हैं इस बार? तो क्या सोच के जा रही है वोट डालने? वोट कुंजवा के डालूंगी जो बनवाएगा मेरी। अभी पता है जिंदगी कितनी है? कितनी जिंदगी है? हाँ अभी कहो। अभी तो आप 100 साल जिएंगी। है भैया ऐसा मत कह। क्यों क्यों? हाँ अच्छा बहन जी को जानती है? मायावती को जोड़े है? मायावती ने तो हम लूट के खा लिए। अच्छा मोदी जी ने भी लूटा? मायावती जी ने भी ना? मायावती वाले तो मंदे में जमीन ना बालक लगाए कोई भी भूखे मर रहे है अब। तो मोदी जी से आप कहेंगे कि पेंशन दे दें? और क्या मोदी हो गया? बताइए क्या माहौल है इस बार? देखो माहौल तो सभी का ही है, यहाँ बराबर ही है। तीनों ही बस्तर लगे हुए हैं, बीजेपी का भी, सपा का भी और बीएसपी का, सभी को जा रही है माहौल। किसी सभी का को जा रहा है? हाँ ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। 400 पार नहीं होगा इस बार? देखो सभी को जाएगा 400 पार कैसे होगा? अपने गांव की तो बता सकता हूँ मैं। हाँ, सभी का मुझे क्या लेना। अच्छा बहन जी का क्या माहौल है इस बार? सही है बहन जी का भी, मतलब सारी वोट तो गाँव से जा ही नहीं रही, पर यह है कि सही है फिर भी अच्छा जा रहा है। अच्छा हो जाएगा पीएम बन सकती, बिगड़ सकती है यहाँ से सीट। पीएम की तो बात कह नहीं सकता। लेकिन बीएसपी की ये सीट जा रही है? हाँ निकल सकती है, निकल सकती है काफ़ी। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर है, बोलता नहीं है, वो अंदर सोच रहा है सब। बिल्कुल बिल्कुल, बोल के नहीं कर रहा है। बिल्कुल अंदर है दिमाग। अच्छा 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 बेरोजगारी पर क्या कहेंगे आप? है कुछ बेरोजगारी? क्या बताऊँ जी, बेरोजगारी तो है ही, पर इन चीज़ों पर ज़्यादा सॉरी बात नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए चाचा क्या नाम है आपका? वोट हो गया? मैं वोट नहीं, मेरा यहाँ से। कहाँ से हैं? मैं तो मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है जी। कहाँ चले आए यहाँ? गाड़ी लग रही है। हो गया अब तो वोट? वोट हो गया, वोट हो गया। अब वोट डाल दिया आप लोगों? वोट डाल दिया जी। अब क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। बहन जी का इस बार महत्व पार है। बहन जी कितना पार हो जाएंगी इस बार? देखो जी 400 पार है बहन जी। 400 पार? हाँ जी। ये तो मोदी जी का नारा है, इधर आइए। हाँ हाँ अब मोदी जी का क्या है तो चलता रहता है। बहन जी भी कह रही है बहुत अच्छा विकास करा बहन जी। देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है आपके यहाँ पे। टक्कर दे रही बहन जी? बिल्कुल एक तरफा है बहन जी तो। अच्छा एक तरफा है जी जी जी। यानी यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट हार जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कह रहे, काफ़ी विकास कर दिया महेश शर्मा ने। हाँ भाई कागजों में हो गया। कागजों में हुए? हाँ हाँ ठीक है। तो ये सब जो विकास हुआ है किसने करा है? बहन जी का राज कहा सभी? सब ने बहन जी, सब बहन जी ने राज। हाँ ओके कौन सा? चलिए मेरा है देसी टीवी। ठीक है चाचा वोट हो गया? वोट करने जा रहे हैं जी। बहुत देर लगा दिया आपने आज, घर के काम भी तो करने पड़े हैं। कौन कौन सा काम किया आपने? भैंस नवाई, दूध काटा, चारा करा। हमें पिलाएंगे दूध? चलो। अच्छा अच्छा क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे बदे नहीं क्या पता नहीं। कुछ तो होगा दिमाग में। अच्छा मोदी योगी 400 पार कह रहे हैं इस बार? 400 पार हो रहे हैं। बहन जी का क्या होगा फिर? बहन जी तो अपना आराम करेगी। आराम करेगी? आराम करा देंगे आप लोग? मोदी जी को आराम नहीं कराएंगे ना? मोदी आराम कर रहे ना हमारे कहने से। क्या नाम हो भैया आपका? बीरपाल जी। अच्छा वोटिंग हो गई आपकी? हाँ जी। अच्छा 400 पार लग रहा है नारा इस बार? हाँ जी। वोट मोदी जीते दो। मोदी जीते को जीते दो। भैया वोट डालने जा रहे हैं आप लोग? ये डाल दिए? डाल दिए हमने, डाल दिए। क्या है माहौल? मोदी जी या मायावती जी, यहाँ से कौन जीत रहा है? पता नहीं जी कौन जीत रहा है, ये पता ना जी। ये पता नहीं, अंदर ये पता ही नहीं है। वोट अंदर बंद हो गए, इसका क्या पता कौन जीत रहा। लेकिन फिर भी माहौल तो दिख रहा होगा। क्या माहौल? गठबंधन का चल रहा है जी। गठबंधन का चल रहा है? यानी साइकिल की सवारी कर रहे हैं आप लोग? साइकिल की। बहन जी के गाँव में साइकिल कैसे आ जाएगी? गांव में हाथी चलेगा। हाथी चलेगा ये? हाँ, तो मैं भूल ही गया था। बहन जी के में हाथी चलेगा। इस बार क्या माहौल है नहीं बता सकता।
सबका अपना अपना मत है। बहन जी के बारे में कुछ बताइए, बहन जी कितनी मजबूत हो गई इस बार? यहाँ से हाँ नहीं हो। अच्छा वैसे यूपी में कितनी मजबूत हो गई? मुश्किल है। कुछ और करना पड़ेगा अब। हाँ बहन जी के देखो अब तो बीजेपी की लहर है। लहर है तो लहर तो आप ही लोग लेके आ रहे हैं, किसी की लहर बना सकते हो जनता? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, जब बीजेपी की लहर है तो बीजेपी की लहर है। क्या है मुद्दे इस बार? कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा कुछ भी नहीं है, सारे कुछ भी नहीं, कैंडिडेट सब ऐसी है। क्या करते हैं कैंडिडेट लोग? आते ही नहीं है। महेश शर्मा भी नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं आया। वो तो कह रहे हैं बहुत घुमा है इस बार। नहीं नहीं कोई विजिट नहीं है गाँव में। बहन जी का क्या माहौल? बहन जी का माहौल बस गाँव की वजह से बराबर है, वैसे तो कुछ खास नहीं है। कोई बड़ी रैली नहीं है मायावती जी की। नहीं हुआ था ना गाजियाबाद में एक रैली? एक रैली से क्या फायदा? और सिकंदराबाद में हुई थी रैली एक, बस उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले जैसा माहौल नहीं है ना, जो पहला माहौल था वो नहीं है। इसके बाद क्या करना चाहिए बहन जी को इस बार? बहन जी को उन्होंने तो अध्यक्ष पद छोड़ ही दिया है, आकाश को दे दिया है। मेन चीज़ तो वही है ना, आकाश को देना नहीं चाहिए था। आकाश को क्या, खुद ही रखती जो इतना बड़ा पद है, उसको तो अपने पास ही रखना चाहिए ना। अच्छा अच्छा हाँ, मेन चीज़ तो यही है, और तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। और गाँव का माहौल तो खैर मायावती बहन जी की तरफ ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बहन जी बढ़िया है नेता? हाँ गांव की नेता है, गांव से ही अपनी जन्मभूमि से ही यहीं से वो करती है, बिलोंग करती है, यही है। यहाँ पे बीजेपी है, बीएसपी किसका पड़ लबा रही है? यहाँ तो बीएसपी है। बीएसपी हाँ। चलिए भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सब अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड पर आके दिखा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ वोटिंग हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।